नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। अब देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जरूरत आपको कब लगता है? जब आप किसी भी प्रकार का लोन लेने के लिए जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट लोन हो या फिर सरकारी लोन हो, आपसे मांगा जाता है आपका मतलब बिजनेस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहीं से बनवाते हो तो आपको पता होगा कि अच्छा खासा उसके लिए जो है पे करना पड़ जाता है आप लोगों को। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, हम आप लोगों को जो तरीका बताएंगे और आपको देखिए पहले समझा ही देते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है। अगर ये चीज आप समझ जाओगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज हमें डालना पड़ता है, आप अपना छोड़ दो, आप दूसरे का भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना शुरू कर दोगे। मेरा आपसे चैलेंज है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए आप लोग। देखिए, ये तो पता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, तो इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, बात ये करेंगे कि हमें बनाना कैसे है। देखिए, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है उसमें क्या क्या चीज डाला हुआ रहता है, ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबसे पहले जो है आपका डिटेल्स रहता है, यानी कि आपका पर्सनल डिटेल्स, भाई आप कौन हो। अब आप कौन हो, आपको तो पता होगा कि आप कौन है, यानी कि आपका नाम क्या है, आपका फादर का नाम क्या है, आपका एड्रेस कहाँ का है, मतलब आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका जेंडर क्या है, ये सब चीज आपका जो है आपका मतलब पर्सनल डिटेल्स हो जाता है। तो ये आपसे पहले मांगा जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। उसके बाद जो है ये चीज आप फिल कर दोगे, उसके बाद जो है आपको फिर आपको बताना होता है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। अब देखिए, बिजनेस जो है बहुत तरीके का बिजनेस होता है, फिलहाल हम आपको दो तीन ही समझाते हैं। देखिए, पहला जो होता है वो एक तरह का मतलब पहला जो होता है एक सर्विस हो जाता है, दूसरा जो है वो मैन्युफैक्चर हो जाता है, तीसरा जो है वो ट्रेडिंग हो जाता है। अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि हम जो बिजनेस करेंगे वो सर्विस मतलब वो सर्विस है या फिर मैन्युफैक्चर है या फिर ट्रेडिंग है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। आप कोई भी डाल सकते हो, जो आप मतलब करना चाहते हो, जो करेंगे वही आपको सेलेक्ट करना है। तो ये चीज आपको बता दिए कि उसमें जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये बताना रहता है कि आप बिजनेस जो है किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि सर्विस है आपका या फिर मैन्युफैक्चर आप करेंगे या फिर ट्रेडिंग है, जो भी होगा आपको उसमें बताना होता है। अब आपका आप कौन है, आप क्या करना चाहते हैं, ये चीज आपको मतलब बता दिए। अब उसके बाद जो है बताना होता है कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, आपका एजुकेशन क्या है, वो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताना होता है। आपको बताना है कि मतलब जैसे कि आप बिजनेस करोगे भाई, तो बिजनेस देखिए हो सकता है आपका छोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस हो, कोनो ना कोनो तो बिजनेस होगा। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका बिजनेस जो है बड़ा है या फिर छोटा है। कोई भी बिजनेस है, मान लेते हैं बड़ा बिजनेस है तो उसके लिए आपको बड़ा फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, छोटा बिजनेस है तो उसके लिए छोटा दुकान बनाना पड़ेगा। अगर भाई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए जगह तो चाहिए, कम से मतलब जगह तो चाहिए चाहिए। आप मान लेते हैं बड़ा बिजनेस करेंगे तो बड़ा मतलब फैक्ट्री टाइप का बनाएंगे, छोटा करेंगे स्मॉल करेंगे तो छोटा मतलब छोटा टाइप का ही घर बनाना पड़ेगा जिसमें हम रोजगार करेंगे, उसको दुकान बोलिए फैक्ट्री बोलिए चाहे जो भी बोलिए, वो आपको बनाना पड़ेगा। तो उनका आपको इसमें जानकारी डालना होता है कि जैसे कि हम दुकान करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम दुकान ही करेंगे, तो दुकान हम करेंगे ठीक है। अब देखिए, दुकान जो करेंगे तो पहले ये डिसाइड करेंगे कि दुकान जो बनाएंगे वो हम अपना जमीन में बनाएंगे या फिर रेंट पे लेंगे, तो उसका भी आपको जानकारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डालना होता है कि मतलब जमीन जो मेरा खुद का है या फिर हम किसी अदर पर्सन से लिए हुए हैं, लीज पे लिए हुए हैं, तो उसमें मेरा कितना पेमेंट लगा है। मान लेते हैं किसी और का दुकान ऑलरेडी बना हुआ है, तो जैसे बहुत जगह पे होता है कि हम एडवांस भी देते हैं, तो वो सब चीज आपको मतलब डालना होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। या फिर आप फैक्ट्री बना रहे हैं, कारखाना बना रहे हैं, मतलब बड़ा फैक्ट्री बना रहे हैं, तो उसका भी जानकारी आपको प्रॉपर डालना है कि फैक्ट्री में आपका क्या क्या खर्च हो रहा है, उनका प्रॉपर जानकारी आपको डालना होता है कि क्या क्या चीज में आपको खर्च होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दो तीन को बता देते हैं। जैसे अपना बनाएंगे तो आपको पता होगा कि ईंट लगने वाला है, सीमेंट बालू जो भी छड़ होता है वो सब लगेगा, वर्कर का खर्चा आएगा, फर्नीचर वगैरह का आपको काम करना होगा, बिजली का कनेक्शन करवाना होगा, तो ये सब चीज जो है आपको उसमें मेंशन करना होगा कि ये सब चीज में मेरा इतना इतना खर्च होने वाला है ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये आपको मेंशन बिल्कुल क्लियर करके मेंशन करना रहता है। बाद बाकी डेकोरेशन वगैरह सबका जो भी खर्चा होता है वो चीज आप मेंशन करेंगे। ये आपको समझ में आ गया कि जैसे हमको पर्सनल डिटेल्स डालना है, बिजनेस का डिटेल्स डालना है, एजुकेशन का डिटेल्स डालना है, शॉप दुकान कारखाना का भी जानकारी आपको फिल करना है। अब उसके बाद जो फिल करना है आपको मशीन का जानकारी, मान लेते कोई भी प्रकार का भी किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको मशीन का जरूरत तो पड़ने वाला है। मशीन आप किसी प्रकार का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस ले लीजिए, आपको थोड़ा बहुत ना थोड़ा बहुत आपको मशीन का जो है हम टूल किट भी बोल सकते हैं, उनका जरूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उनका भी जानकारी आपको फिल करना होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो वो आपको एक एक करके फिल करेंगे कि कौन सा मशीन आपको जरूरत पड़ने वाला है, उनका जानकारी आपको फिल करना होता है। मशीन का जानकारी जब आप डाल देंगे तो फिर आपको जो डालना पड़ेगा वो सेल का जानकारी, मतलब आप क्या बेचोगे,
उनका जानकारी आपको डालना पड़ेगा कि ये सब चीज हम बेचेंगे। अब देखिए पूरा का पूरा मान लेते हैं दुकान करोगे तो हम ये मानते हैं कि उसमें 500 हजार भी सामान हो सकता है, मतलब हजार प्रकार का सामान हो सकता है। तो आपको 1 हजार नहीं डालना है सामान का नाम, बस 5 से 10 नाम डालना होता है, मोटा मोटी में डालना होता है। उससे जो है आइडिया लग जाता है आगे वाले को कि ये सब सामान जो है इनके यहाँ मिलने वाला है। अब उसके बाद जो है रॉ मटेरियल का जानकारी आपको डालना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी प्रकार का बिजनेस ले लीजिए, तो आप अगर मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं ना तब पर भी आपको रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज आप सर्विस भी अगर आप कर रहे हैं तब पर भी आपको रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ने वाला है। रॉ मटेरियल का मतलब ये हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम आटा का फैक्ट्री खोले हुए हैं, ठीक है, मशीन वगैरह लगा लिए, सब कुछ लगा लिए, भाई आटा जो हम बेचेंगे तो उसके लिए हमको गेहूं चाहिए, तो गेहूं जो हम लाएंगे तो वो एक तरह से मेरा रॉ मटेरियल हो जाता है, उसे हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, उस प्रकार का रॉ मटेरियल भी आपको लगेगा तो उनका भी आपको जानकारी डालना है कि ये सब रॉ मटेरियल जो है हम यूज करने वाले हैं, उनका भी आपको जानकारी डालना होता है। जो है वर्कर का जानकारी डालेंगे, मान लेते हैं किसी प्रकार का बड़ा फैक्ट्री है तो उसमें आप वर्कर लेबर वगैरह अगर रखेंगे तो उनका भी जानकारी डालेंगे कि उसका सैलरी जो है मंथ में या फिर ईयरली जो है उसको कितना पैड करोगे, वो भी जानकारी आपको फिल करना होगा। तो ऑलमोस्ट देखिए हम आपको सारा जानकारी बता ही दिए हैं। अब आपको ले चलते हैं हम पेज स्क्रीन पर। अब आपको हम आपको फॉर्मेट देंगे, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट देंगे, उसमें आपको जो जानकारी हम आपको लोगों को बताए हैं इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो है हमें क्या क्या चीज डालना होगा। अब आपको हम एक फॉर्मेट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और आपको बता देते हैं कि उस फॉर्मेट में जो है जो जानकारी आपको हम बताए हैं वो जानकारी आपको मैनुअली किस प्रकार से फिल करना है और अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो चलिए ले चलते आपको हम पीसी स्क्रीन पर। तो आपको फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप मोबाइल फोन से भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर पीसी है तो आप उससे भी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए आपको अपना किसी भी ब्राउजर को ओपन करिए और सर्च बार में आपको टाइप करना है PMEGP, केवल इतना डाल करके आपको सर्च करना है। जैसे आप इतना सर्च करोगे फर्स्ट में लिंक आएगा PMEGP का ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ से जो है PMEGP लोन के लिए भी अप्लाई किया जाता है तो वो हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल जो मेन मुद्दा है उसी पर हम केवल रह रहे हैं अभी। अगर आपको PMEGP में लोन अप्लाई करना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको प्रॉपर वीडियो बना करके बता देंगे, मतलब फुल प्रोसेस बता देंगे किस प्रकार से PMEGP योजना में आपको अप्लाई करना है लोन के लिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर अप्लाई का बटन आपको दिखेगा, इस जगह पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो आपको फॉर्म तो भरना नहीं है, केवल फॉर्मेट यहाँ से लेना है। यहाँ पर देखिए DPR लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे DPR पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए डाउनलोड जो है, यहाँ पर एक्सेल फाइल जो एक डाउनलोड हो रहा है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार से फॉर्मेट जो है दिख जाएगा। अब देखिए जो भी चीज अभी हम आपको बतलाए हैं वही चीज सेम आपको यहां पर फिल करना है। यहां पर देखिए अपना नाम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, एड्रेस यहां पर मेंशन करेंगे ये कॉलम में, जेंडर यहां से बताएंगे, जो भी जेंडर होगा वो आपको यहां पर बताना है। आप पढ़े लिखे कितना है, एजुकेशन क्या है आपका, वो आप यहां से बताएंगे। आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, सर्विस मैन्युफैक्चर, वो आप यहां से बताएंगे, ठीक है। कैटेगरी से आते हैं वो आप यहां से बताएंगे। उसके बाद यहां पर जो है नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद यहां पर बिल्डिंग डिटेल्स, जैसे कि अभी हम आपको बताएं ना कि मतलब फैक्ट्री के बारे में, शॉप है या फिर दुकान है जो भी है उनका जानकारी आप फिल करेंगे। मशीनरी का डिटेल्स फिल करेंगे, यानी कि कौन कौन सा मशीन आपको जरूरत पड़ने वाला है उसका जानकारी यहां पर फिल करेंगे। जैसे मशीन का नाम लिखेंगे, क्वांटिटी मतलब क्या वो मशीन है, उसका रेट क्या है, वो आप यहां पर फिल करेंगे। इस प्रकार से फिल करेंगे। अब यहां पर देखिए प्रॉपर जो है आपको सारा कुछ मिल जाएगा, यानी कि किस कौन सा चीज में आपको कितना कितना खर्च आ रहा है वो उनका जानकारी आप यहां पर डालेंगे। नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद यहां पर सेल डिटेल्स डालेंगे, मतलब क्या चीज आप सेल करेंगे। यहां पर जितना बॉक्स है ना इसमें आप केवल भर दीजिए, जितना मतलब मेन प्रोडक्ट है वो उनका आप यहां पर नाम लिख देंगे। उसका यहां पर रेट जो है बताएंगे, मतलब क्या रेट है, क्वांटिटी क्या है वो बताएंगे, ऑटोमेटिक अमाउंट जो है साइड में आ जाएगा। अब यहां पर रॉ मटेरियल के बारे में बताएंगे, जो भी रॉ मटेरियल आपको यूज होने वाला है वो आप यहां पर बताएंगे। वर्कर के बारे में बताएंगे, सेल डिटेल्स के बारे में बताएंगे कि मतलब क्या आप सेल करना चाहते हो, क्या बेचना चाहते हो, वो आप यहाँ पर बताएंगे। तो इस प्रकार से टोटल जानकारी को आपको फिल करना है, हम आपको देखिए एक एक करके समझा रहे हैं। मान लेते हैं इस प्रकार का कोई खर्च है तो वो डालेंगे, फ्यूल का खर्च है तो वो डाल देंगे, जो भी खर्च है वो हम यहाँ पर मतलब फिल कर देंगे। देखिए यहाँ पर बिल्डिंग रेंट है, रेंट वगैरह सब है तो वो यहाँ पर मैनुअली हम फिल करेंगे। ये सब चीज़ आपको डाल देना है, बस यही चीज़ केवल इतना आपको डालना होता है। जैसे सब कुछ आप फिल कर दोगे, यहाँ पर देखिए DPR प्रिंट है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार से देखिए आपका जो है पूरा का पूरा, अभी हम कुछ डाले नहीं है इस वजह से पूरा ब्लैंक आ रहा है, आपको डालना है, केवल बता ही रहे ना। अब देखिए इस प्रकार से आ गया, अब इसको आप भाई प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के लिए तो क्या करना है, यहां पर आइए और सीधा यहां पर प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर जो एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं हम, देखिए कितना पेज का आ रहा है। देखिए ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8
मतलब 7 या 8 पेज का ही आएगा, इतना ही केवल आएगा। अभी तो ये खाली है, 7 पेज का दिखा रहा है, भरोगे ना तो 8-9 पेज में चला जाएगा। अब देखिए ये बात ध्यान में रखिएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितना बड़ा पेज में रहता है वैल्यू उसका उतना ज्यादा होता है। ये बात देखिए अब किसी को समझ में नहीं आएगा ये बात, कि अगर तुम फालतू का पेल रहे हो। अब भाई फालतू का नहीं पेल रहे, जब बैंक में दोगे ना तब पता चलेगा। तो इस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में और किसी प्रकार का समस्या आएगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर मान लेते हैं इसमें आपको जानकारी डालने में किसी प्रकार का समस्या आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इस पर जो है मैन्युअली फिल करके बता देंगे। वैसे ऑलरेडी बना दिए हैं भाई, वीडियो बना दिया, मेरे चैनल पर जाइएगा आपको वीडियो भी मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मतलब जो अभी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे जिस वीडियो में हम आप लोग को एक एक करके बतलाए हुए हैं, मतलब कॉलम को भरने के लिए, तो आप भर लेंगे। वैसे मैं आपको देखिए सबको समझा ही दिए हैं, आपको आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो भाई आपका थोड़ा वो तो माइंड जरूर ऐसा मतलब तेज तरह होगा कि ये सब चीज़ को आप पकड़ लेंगे। तो देखिए आप मैनुअली फिल करके बना लीजिएगा, आपका 5-10 हज़ार रुपया बच जाएगा। आपका 5-10 हज़ार अगर बच रहा है तो हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। हम इस वीडियो को करते हैं एंड, अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच कर लिया हो तो वीडियो देखने लगता है। धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।